उज्जैन में एक युवक को गोली मारने की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में एक युवक को गोली मारकर आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में अब तेजी से अपराधों का ग्राफ बढ़ने लगा है। ताजा मामला नागचीरी पुलिस थाना क्षेत्र का है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर 27 वर्षीय युवक लखन राठौर को टी मार्ट के पीछे रहने वाले रवि ठाकुर ने गोली मार दी। सिर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और घायल युवक के पिता मोहनलाल ने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर दोनों के बीच बुधवार रात को टी मार्ट के पीछे विवाद हो गया, जिसकी सूचना मिलने पर वे पहुंचे और बीच बचाव करा और मामला शांत करवाया। गुरुवार को रवि ने फिर उसे फोन करके बुलवाया और टी मार्ट के पीछे गोली मार दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मेरे वाला किसे है? क्या नाम है इसका? लखन राठौर। क्या हुआ था घटना क्रम? कितने मारी गोली? क्या है पूरा? रात को आया था रवि ठाकुर करके, रवि ठाकुर ने किसी से 25,000 रुपये दिलाए थे इसको, तो ये दे नहीं रहा था, फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो मिलके उसको बुला घर पे। तो फिर घर पे बुलाया, बैठ के बात की, तो बोले तुम मेरे 37,000 रुपये का क्या? बोले कोई तेरी तरफ 37,000 नहीं है, तो बोले मेरी तरफ मेरे पास भी नहीं तेरे 25,000 रुपये, तूने उससे लेके दिए, तू मेरे को दे दे, मैं उसको दे दूँ। बोले तू बात कैसे कर रहा है? उसने बोला तू बात कैसे कर रहा है? तो लखन को मैंने बिठा दिया, मैंने कहा तू बैठ जा, अपने घर आए अपने को ये नहीं करना। अरे अंकल तुम्हें मालूम नहीं अभी हम कौन हैं, हम तुम्हें बताएंगे अभी सुबह। अरे मैंने बैठो तुम्हारे पैसे तुम्हारे दे दोगे तो मैं इसका दे दूंगा, अगर तुम भी नहीं दो, तुम्हें ज़्यादा तगादा है तो मैं इसका भी दे दूंगा, तुम बाद में कर लेना कुछ भी, मेरे पास है ही नहीं अंकल, मांगना मत मेरे से कुछ भी। और उल्टे में फिर मैं रात को तो ये फिर उसने बाहर निकला और बता कि अब बताऊँगा तेरे को सुबह ही, तो मैंने कहा हो बता देना, तेरे पैसे तू देगा तो ये पैसे 25 दूंगा, नहीं तो नहीं दिए, मैंने बोला। बोले ठीक है बता तेरे को, तो ये लखन निकला कि बोले आऊँ क्या था? तक तू तो रोड पे आ, वो रोड पे गया नहीं, मैंने रोक लिया रात भर। हम सुबह 9:30 बजे तक मैंने रोक के रखा, ये घर से निकला और आधे घंटे बाद फोन आ गया कि लखन को मारा किसी ने। ये घटना कहाँ पर लगी? ये डी मार्ट के सामने पीछे वो जो राम की चाय की गुमटी है उसके सामने ये सब पकड़ के बैठे थे। किस चीज़ से हमला हुआ है? ये तो डॉक्टर साहब ने बताया ना, गोली मारी। आपका नाम? मोहनलाल राठौर। गोली लगने की घटना हुई है, किस प्रकार की, क्या जानकारी सामने? थाना नागझिरी में होटल अंजुशी के पास से गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जो है उसमें घायल को संजीवनी हॉस्पिटल लाया गया है। घायल का नाम लक्की उर्फ लखन है, नानाखेड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और प्रारंभिक जांच में जो है पैसों के लेन देन को लेकर इस घटना को अंजाम दिया जाना पाया गया है। इसमें किस प्रकार सामने वाला व्यक्ति जिससे लेन देन हुआ है, क्या नाम, उसकी जानकारी कुछ सामने है? अभी उसमें हम लोग के पास कुछ सूचना है, संदिग्धों के नाम है, उस पर कार्रवाई करके फिर आपको बताया जाएगा। बताया जा रहा है कि लखन खुद की टैक्सी चलाता है और 15 दिन से उसकी टैक्सी खराब है, जिसके चलते पिता मोहनलाल उसे उसके सावेर स्थित ईंट भट्टे पर ले जा रहे थे। गुरुवार को भी वह भट्टे पर जाने का बोलकर घर से निकला था, इस दौरान आरोपी ने उसे गोली मार दी। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए उज्जैन से विमल बेंडवाल की रिपोर्ट।